अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उबर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि कपल्स जब प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बांझपन का सामना कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीका इलाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इधर गोलियाँ खा, इधर रूहानी इलाज कर, इधर कोई हकीमी इलाज कर, लेकिन असर नहीं हो रहा होता, रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो प्रेगनेंसी के लिए ये कुदरती तरीके से हमल करने के लिए कोशिशें कब तक जारी रखनी चाहिए और कब ये फैसला करना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तरीका इलाज IVF की तरफ जाना चाहिए। जब आप बांझपन के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपके मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बेस पे ट्रीटमेंट आपका डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और 40 साल के करीब पहुंच रही है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और शादी को के बाद ट्राई करते हुए लंबा अरसा हो गया, कामयाबी नहीं हुई, तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब नेचुरल मेथड को ट्राई करने की बजाय IVF की तरफ प्रोसीड करना ज़रूरी है। बाज़ूकत ये होता है कि जब चेक किया जाता है, आपके कुछ हॉर्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं, उसमें आपकी ओवरीज का रिज़र्व कम होता है, तो अगर रिज़र्व बहुत ड्रॉप कर रहा हो, कम हो, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से IVF ट्रीटमेंट की तरफ डिसाइड कर लेना चाहिए। बाज़ूकत ये होता है कि रिज़र्व आपका ठीक होता है लेकिन पोलीसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है, आप उसमें वेट लॉस कर रहे हैं, उस पर मेडिसिंस यूज़ की हैं, नेचुरल तरीके से ट्राई करने की हतल इम्कान कोशिश की है, नहीं प्रेगनेंसी हो रही, तो फिर उन केसेस में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केसेस में, फिर हम IVF की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा आपकी ट्यूब्स अगर डैमेज हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, बाज़ूकात पर आपके पेट के अंदर जिसे हम पेल्विस कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी ट्यूब्स मुतासर होती हैं और इन्फेक्शन की वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, यानी बंद हो जाती हैं, तो उससे फिर कुदरती तरीके से हमल मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें आपकी अंडेदानी में और आपके पेट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी खून की थैलियाँ बन जाती हैं। ये कंडीशन भी आपकी अंडेदानी को भी और साथ साथ आपकी ट्यूब्स को भी बुरी तरह मुतासिर करती है और उसके साथ कुदरती तौर पे प्रेगनेंसी का हसूल मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ठीक हैं, आपकी ओवरीज का रिज़र्व ठीक है, लेकिन आपकी बच्चेदानी में कोई मसला आ रहा है, जैसे कोई बाज़ूकत सेप्टम होता है या बाज़ूकत बच्चेदानी की शेप में कोई प्रॉब्लम होता है, तो उन केसेस में भी फिर हम सर्जिकल करेक्शन के बाद IVF का मशवरा देते हैं। इसके अलावा मेल फैक्टर यानी हस्बैंड के सीमन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, बाज़ूकत देखा गया कि ख़वातीन अपने टेस्ट पे टेस्ट कराई जा रही होती हैं, ट्रीटमेंट्स हर तरह के ले रही होती हैं और मेल का कोई टेस्ट ही नहीं हुआ होता, जब सीमन का टेस्ट करवाएं तो पता चलता है या तो स्पर्म्स सिरे से मौजूद ही नहीं है, या जो स्पर्म मौजूद हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, या वो काउंट में बहुत कम है, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में स्पर्म्स हैं जो कि फीमेल के बच्चेदानी से गुजरते हुए, ट्यूब से गुजरते हुए, अंडेदानी से गुजरते हुए अंडे तक नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती। जब मेल के सीमन में भी ऐसा सीरियस मसला मौजूद हो तो ऐसे केसेस में भी IVF सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कपल्स जो कपल्स में से कोई कोई भी पार्टनर, चाहे फीमेल पार्टनर चाहे मेल पार्टनर, किसी को कोई कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा हो, तो ज़रूरी है कि उससे पहले मेल्स अपने स्पर्म्स को फ्रीज़ करवा लें और फीमेल्स अपने एग्स को फ्रीज़ करा लें, क्योंकि बाज़ूकत कैंसर ट्रीटमेंट्स में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद आपकी ओवरीज या आपकी टेस्टिस को नुकसान पहुँचता है और कुदरती तौर पर हमल मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसे कपल्स भी मैंने देखे हैं कि उनके हॉर्मोन्स के टेस्ट हुए वो भी बिल्कुल ठीक, उनकी ओवरीज भी बिल्कुल ठीक, कोई सिस्ट नहीं बन रही, कोई एंडोमेट्रियोसिस का मसला नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक हैं और ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ट्यूब्स के टेस्ट किए जाते हैं लैप्रोस्कोपी या HST के ज़रिए हम चेक करते हैं, ट्यूब्स बिल्कुल खुली होती हैं, यूट्रस भी बिल्कुल ठीक, उसकी लाइनिंग ठीक, ना कोई रसौली होती है, ना पॉलिप होता है, ना कोई और ग्रोथ होती है जो डिस्टर्ब कर रही होती है। दूसरी तरफ जब मेल पार्टनर का हम टेस्ट करवाते हैं तो सीमन भी बिल्कुल ठीक, उसमें काउंट भी ठीक आ रही होती है, उसमें स्पर्म्स की मोटिलिटी भी ठीक आ रही होती है और नॉर्मल मॉर्फोलॉजी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती।
और ये कपल काफ़ी अर्से से ट्राई कर रहा होता है क्योंकि टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं, इसलिए काफ़ी कोशिश की जाती है कि शायद नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए, शायद नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाए, तो लंबे अर्से तक ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इस कंडीशन को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और जब बहुत लंबा अर्सा हो जाए, यानी शादी को 5-6 साल, 7 साल, 8 साल हो जाए और टेस्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल हो, तो ऐसे केसेस में भी हम IVF कंसल्टेंट्स पेशेंट्स को IVF सजेस्ट करते हैं। तो IVF का ट्रीटमेंट अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपने IVF कंसल्टेंट की राय के मुताबिक टाइम ले लीजिए ताकि उसका रिजल्ट भी बेहतर आए, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट को जानते हुए कि हमारा ट्रीटमेंट ये है, इसको डिले हम करते जाते हैं, आगे करते जाते हैं, आगे करते जाते हैं उम्मीद पे कि शायद पता नहीं कोई मुआवजा हो जाए बीच में, तो उसका क्या होता है कि आपकी जो चीज़ अभी आज कुछ ख़राब है वो आगे मज़ीद ख़राब हो जाएगी। आपका एक फैक्टर अगर ख़राब है, सपोज़ आपके हार्मोन ख़राब हैं या आपकी ट्यूब ख़राब है, बाद में आपका ओवरीज का रिजर्व भी ड्रॉप हो जाएगा। फीमेल बिल्कुल उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एग की क्वालिटी भी ख़राब होती जाएगी। तो तब ये होगा कि जब हम इतना डिले करके लेट एज में जब हम IVF भी करेंगे, उस वक्त इतने पैसे भी लगाएंगे, इतनी कोशिश भी करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो अपनी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक बर वक्त सही फैसला कीजिए अपने कंसल्टेंट की राय के साथ। शुक्रिया।